दोस्तों, जिस तरह के पॉप का दुनिया भर में इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उसी तरह बहुत सारे के पॉप आइडल भी अपने पॉजिटिव इन्फ्लुएंस को यूज करके दुनिया भर में पॉजिटिव मैसेज पहुंचा रहे हैं। और दोस्तों, जिस तरह BTS हैं, उसी तरह हमारी ब्लैक पिंक की लड़कियों ने भी दुनिया भर में अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट को अच्छी तरह से फैलाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी इंस्टाग्राम ID को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, यूनाइटेड असेंबली ने हाल ही में ही अपनी एक COP अटेंड करी थी। दोस्तों, वहां पर उन्होंने दुनिया भर के बहुत ही सारे फेमस पर्सनालिटीज को और लोगों को बुलाया था ताकि वो दुनिया भर में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस फैला सके और लोगों को बता सके कि क्लाइमेट और एनवायरनमेंट की क्या वैल्यू है। और दोस्तों, वहीं पर हमारे ब्लैक पिंक के मेंबर्स ने एक बहुत ही स्पेशल स्पीच डिलीवर करी, जहां पर उन्होंने अपने ब्लिंक्स को और दुनिया भर को ये मैसेज दिया कि इस प्लैनेट का हमें ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, उन्होंने एक YouTube पर वीडियो भी अपलोड करी थी, जहां पर उन्होंने उसका टाइटल रखा था क्लाइमेट एक्सचेंज इन योर एरिया। दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि अपने पास्ट ईयर में और अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने क्या सीखा है और किस तरह से वो आज UN एम्बेसडर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनी हैं। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ब्लैकपिंक को यूनाइटेड नेशंस ने अपना एम्बेसडर चुना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। और दोस्तों, इसके साथ साथ ब्लैकपिंक के हर मेंबर ने दुनिया भर को बताया कि क्लाइमेट का ख्याल रखना यानी एनवायरनमेंट की देखभाल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज पर भी मुद्दा उठाया और उन्होंने बोला कि लोगों को ये देखना चाहिए कि प्लैनेट किस तरह से डिप्लीट हो रहा है और किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जो क्लाइमेट पहले नेचुरली चेंज होता था, आज वो अपने आप गर्म होता जा रहा है और दुनिया भर में बहुत ही सारे वेदर कंडीशंस को देखा जा रहा है। दोस्तों, इसके साथ साथ लीजा ने अपने थाईलैंड की नेटिव लैंग्वेज में भी लोगों को बताया कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बड़ा इशू है और इस समय हमें अपने नेचर को बचाना चाहिए और जो एयर, जो सांस हम लेते हैं, उसको प्योर रखने के लिए हमें अपने प्लैनेट की देखभाल करनी चाहिए, हमें पेड़ लगाना चाहिए। इसके साथ साथ जेनी ने भी बताया कि हमें कुछ अच्छा प्रिवेंट करने के लिए यानी कुछ बहुत ही अच्छा करने के लिए कुछ अच्छे एक्शंस लेने होंगे, क्योंकि आगे चल के सिचुएशन जब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ जीसो ने भी बताया कि हमें बहुत ही सारे डिसीजंस लेने चाहिए और अभी से ही अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने का ख्याल रखना चाहिए, अभी से ही पेड़ लगाने चाहिए और अपने आसपास की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ साथ सभी मेंबर ने बताया कि हर समय वर्ल्ड का टेम्परेचर 2 डिग्री से बढ़ते जाता है और इसके साथ साथ पूरे नेचर पे बहुत ही कड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, लोगों की लाइफ भी सही नहीं होने वाली। और जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है और गर्मी बढ़ रही है, इस तरह से बारिश और बहुत सारी चीज़ें कम हो रही हैं, तो इस पर हमें काफ़ी ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने ब्लैकपिंक की ये बेहतरीन वीडियो देखी और उनसे कुछ सीखा तो हमें कमेंट में ज़रूर बता दें। और दोस्तों, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।